प्रयास जी, आपका रुख करती हूँ मैं। सर, आज क्या खास अखबारों में है? आज के अखबारों में शीतम निवाड़ी जिले की खबर है प्रमुखता से, जो लगभग सभी अखबारों में छापी है कि थाना कैंपस में ब्लास्ट। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना परिसर में बने गोदाम में सोमवार दोपहर अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज 4 किलोमीटर तक सुनाई दी। आवाज सुनकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। विस्फोट से थाना परिसर में बने घरों और थाने में बनी खिड़कियों के कांच टूट गए। दीवारों में दरारें पड़ गई, छत भी उड़ गई। इसमें अच्छी बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मामले की जांच SDO को सौंपी गई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष जुटाने में जुटी है। कल टीकमगढ़ में प्रभारी मंत्री के स्वागत करने में फिर दिखी भाजपा की गुटबाजी। टीकमगढ़ में प्रथम नगर आगमन पर जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग के स्वागत में भाजपा में एक बार फिर गुटबाजी नजर आई। सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री के अंदर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बाहर रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई और यहां से सर्किट हाउस से लौटते समय युवक कांग्रेस ने प्रभारी मंत्री को काले झंडे दिखाए, जिस पर कोतवाली पुलिस ने उनको पकड़ कर ले गई। एक और इसमें बात हुई कि पूर्व विधायक KK श्रीवास्तव पर SDM के अभद्रता का मामला दर्ज है, पर वो दिन भर प्रभारी मंत्री के साथ नजर आए। बुंदेलखंड के हर जिले में कारगिल दिवस विजय दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। स्कूल खुलने को लेकर खबर लगभग हर अखबार में छापी है कि पालक बोले बच्चों को तीसरी लहर के बाद स्कूल भेजेंगे। 1.5 साल बाद विद्यार्थियों के लिए खोले गए स्कूल में पहले दिन 12वीं कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए थे, लेकिन स्कूलों में इनकी संख्या 10% भी नहीं थी। कई स्कूलों में कक्षाएं सूनी पड़ी थी। वहीं ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने के फेर में शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस लेना भी भूल गए। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कल सागर और छतरपुर में हुआ है। कोरोना रोकथाम के लिए सोमवार को सागर और छतरपुर जिले में सोमवार को सबसे अधिक लोगों का वैक्सीन लगाई गई। सागर जिले में 41,303 लोगों को, वहीं छतरपुर जिले में 40,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। हालांकि सागर प्रशासन ने इस तरह 52,000 टीके लगाने का रखा था। ये इसमें एक परेशानी की भी चिंता की भी बात है कि वैक्सीनेशन के दौरान केंद्रों पर संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर टीका लगवाने के लिए एकजुट होकर अब भीड़ में खड़े होते हैं, जिसके कारण सागर में एक पहल की गई थी कि जांच को टीका लगाने के पहले कोरोना की जांच की जा रही थी। कुछ लोगों की आपत्ति के बाद इसको बंद कर दिया गया। ठग समझकर बैंक उप प्रबंधक और ड्राइवर से उपभोक्ताओं ने मारपीट की। सागर में सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंधक एवं ड्राइवर के साथ बैंक के उपभोक्ताओं ने मारपीट कर दी, अपशब्दों का प्रयोग किया और बैंक के अंदर गए तो वहां पर भी वो मारपीट करने लगे। असल में ये उपभोक्ता इन लोगों को ठग समझ रहे थे कि ये ऑनलाइन ठगी करने वाले मामले हैं। रिश्वत लेते परियोजना अधिकारी गिरफ्तार। आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति की करने की एवज मांग रहा था रिश्वत। लोकायुक्त टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। ये सागर जिले के राहतगढ़ का मामला है। आज होगी सेंट्रल लाइन की टेस्टिंग। जिला अस्पताल में 1,000 मैट्रिक टन का ऑक्सीजन प्लांट गुजरात से आने के बाद सोमवार को इसकी फिटिंग पूरी कर ली गई है। सागर में DMC में इसकी फिटिंग पूरी होने के बाद आज इसकी टेस्टिंग की जाएगी। वहीं दमोह में इसी को लेकर एक खबर है, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर, कि 3 माह के इंतजार के बाद जिला अस्पताल में 1,000 LPM क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट आ चुका है। इंस्टॉल भी कर दिया गया। टेस्टिंग की गाड़ी आई तो वहाँ बिजली कनेक्शन ही नहीं। फर्जी आधार कार्ड बनाकर छत में विवाह कर धोखाधड़ी करने वाली दुल्हन को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला पन्ना जिले का है। यहाँ एक महिला जो है शादीशुदा, उसने एक फर्जी आधार कार्ड बनाया और एक शादी की, जिसको लेकर पुलिस ने उस महिला और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है और मामला दर्ज किया है। सावन के पहले सोमवार पर बुंदेलखंड के सभी शिवालयों में जमकर भीड़ रही और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आए।
दमोह से खबर है अतिक्रमण हटाकर पार्किंग स्थल बनाया गया, पार्किंग पर कब्जा करने व्यापारियों ने बोर्ड उखाड़कर छिपाया, डस्टबिन भी तोड़े और इसको लेके यहाँ लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। छतरपुर के कई गांव बारिश के कारण मुख्य मार्ग से कट गए हैं, अनेक पहुंच मार्ग दलदल में तब्दील हो गए हैं, इसको लेकर भी एक बड़ी खबर है। जिस पर छतरपुर से एक खबर है, जिस परिवार का बेटा गायब हुआ उसी परिवार को थाने में बिठाई रही पुलिस, लाश मिलने के बाद परिजनों ने लगाए पुलिस पर हत्या के आरोप। ये कुछ प्रमुख खबरें थी बुंदेलखंड इलाके। बिल्कुल।